पिछले एपिसोड में आपने देखा, साइबॉर्ग सुपरमैन को जोकर अंडरग्राउंड ग्रुप के बारे में बताता है और दूसरी तरफ बैटवुमैन और हार्ली इस ग्रुप को समझा रहे होते हैं कि जो वो करना चाह रहे हैं उसे करने का ये सही तरीका नहीं है। पर जैसे ही वो दोनों उन सबको समझा के वहाँ से बाहर निकलते हैं, तभी वहाँ सुपरमैन आता है जो कि उन सबके मुँह से जोकर का नाम सुनते ही अपनी हीट विजन से उस ग्रुप के सभी लोगों को जला देता है। सीरिया में बिजारो ट्रिक्स्टर से पूछता है कि मेरे चेस्ट पर एस लिखा है पर फिर भी कोई मुझे सुपरमैन क्यों नहीं समझ रहा। तब ट्रिक्स्टर कहता है कि क्या हो अगर वो लोग सही हो और तुम गलत, क्या पता तुम कोई और हो। जिस पे बिजारो गुस्सा होकर बोलता है कि क्या कहा तुमने। तब ट्रिक्स्टर उसे समझाता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, सुपरमैन इतना भी अच्छा आदमी नहीं है बल्कि वो एक शासक है, तो इससे बढ़िया तो तुम सुपरमैन ना ही हो। तभी बिजारो ट्रिक्स्टर की तरफ छींक देता है जिसके इम्पैक्ट से ट्रिक्स्टर दूर जाके गिरता है। तब वो बिजारो को समझाता है कि कभी भी बिना मुंह ढके नहीं छींकना चाहिए। फिर ट्रिक्स्टर बिजारो से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खाएं चलते हैं। तब वो दोनों बिग बेली बर्गर में बैठकर कई सारे बर्गर खा रहे होते हैं। तब ट्रिक्स्टर बिजारो से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे बचपन के बारे में कुछ याद है। जिस पे बिजारो कहता है कि नहीं, मुझे बस एक लैब याद है और एक गंजा आदमी। तब ट्रिक्स्टर कहता है कि क्या पता तुम्हें लैब में बनाया गया हो जैसे कि फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर। तभी बिजारो अपने बर्गर का रैपर पीछे फेंकता है जो कि सुपरमैन की आर्मी के एक सोल्जर को जाके लगता है। तब वो सोल्जर गुस्से में बिजारो की तरफ आता है, पर इससे पहले बिजारो ने कुछ करता ट्रिक्स्टर उसे समझाता है कि तुम शांत रहो, मुझे इन लोगों को हैंडल करने दो। तब ट्रिक्स्टर उन सबको अपनी तरफ बुलाता है और अगले ही पल वो उन सबकी धुलाई करना शुरू करता है। तभी अचानक वो सोल्जर अपनी गन निकाल लेता है जिसे ऐसा करते देख बिजारो को गुस्सा आ जाता है और अगले ही पल वो अपनी हीट विजन से उस सोल्जर को जला देता है, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब ट्रिक्स्टर बिजारो से कहता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, खासकर तब जब इतने सारे लोग तुम्हें ऐसा करते देख चुके हैं, अब ये लोग सब कुछ पुलिस को बता देंगे और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर ऐसा सुनते ही बिजारो बिग बेली बर्गर में सारे के सारे लोगों को जला के राख कर देता है। बिग बेली बर्गर में ट्रिक्स्टर बिजारो से चिल्ला के पूछता है कि ये तुमने क्या किया। जिस पे बिजारो कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि इतने सारे लोगों ने हमें देख लिया। तब ट्रिक्स्टर आगे कहता है कि पॉइंट ये नहीं है, तुम्हें लोगों की जान लेना बंद करना होगा, पर छोड़ो अभी निकलते हैं यहाँ से। तब बिजारो ट्रिक्स्टर से पूछता है कि क्या तुम नाराज हो। ट्रिक्स्टर कहता है कि नहीं, पर बिजारो बार बार पूछता है। तब ट्रिक्स्टर तंग होके बोलता है कि मैंने कहा ना मैं नाराज नहीं हूँ। बिजारो दुखी होके उससे पूछता है कि तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो। तब ट्रिक्स्टर बिजारो से कहता है कि हम जैसे कई लोगों की फैमिलीज नहीं है, पर हम दोनों लकी हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें पहले ठीक से ना समझाया हो, आगे से मैं तुम्हें ध्यान से बोला करूंगा, तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए दोस्त हैं। तभी बिजारो को छींक आती है जिसके लिए वो अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढकता है, पर तभी वो ध्यान देता है कि उसने ट्रिक्स्टर को छोड़ दिया और तब बिजारो नीचे जाके देखता है कि ट्रिक्स्टर नीचे गिर के मर चुका है। दूसरी तरफ बिग बेली बर्गर में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है जहाँ से हेल साइबॉर्ग को रिपोर्ट करता है कि यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ, पर किसी ने एक सुपर पावर लेजर या फ्लेम थ्रोअर यूज किया है, तुम्हें क्या लगता है कि ये उस बहरूपिये के काम है। तब साइबॉर्ग कहता है कि हो सकता है, वैसे आसपास के लोग कह तो रहे हैं कि उन्होंने कुछ ब्लू रेड ब्लर देखा। दूसरी तरफ जर्मनी में बिजारो ट्रिक्स्टर की डेड बॉडी को लेके उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसने उसके लिए उसका केप सिला था। तब बिजारो उस आदमी से कहता है कि जैसे तुमने मेरा कॉस्ट्यूम ठीक किया था वैसे मेरे दोस्त को भी ठीक कर दो। जिस पे वो आदमी समझाता है कि वो मर चुका है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, पर बिजारो चिल्ला के बोलता है कि अभी ठीक करो। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और तभी वो अपने फोन से जस्टिस लीग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अचानक बिजारो उसके फोन को जला देता है और तब वो उसकी तरफ बढ़ के उससे गुस्से में कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। दूसरी तरफ हॉल ऑफ जस्टिस में साइबॉर्ग सुपरमैन से पूछता है कि जोकर अंडरग्राउंड में क्या हुआ था। जिसपे सुपरमैन कहता है कि उन लोगों ने मुझ पर हमला किया और मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। जिसपे साइबॉर्ग कहता है कि यूनिवर्स के सबसे ताकतवर आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा। तब सुपरमैन गुस्से में साइबॉर्ग से पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तभी साइबॉर्ग सुपरमैन को बताता है कि जर्मनी में एक मेजर इमरजेंसी है, ये वही बहरूपिया है। तब सुपरमैन उस बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो आदमी बताता है
कि मुझे लगा कि वो तुम हो, पर वो तो एक मॉन्स्टर है। तब हम देखते हैं साइबॉर्ग को लेक्स से बात करते हुए, जो कि उससे बोलता है कि अभी सब कुछ रोको और उस बहरूपियों को ढूंढना शुरू कर दो, जिसपे लेक्स कहता है कि बिल्कुल, पर सुपरमैन को भी जोकर अंडरग्राउंड के लिए जवाब देना पड़ेगा। तभी लेक्स देखता है कि उसके लैब में सिक्योरिटी ब्रीच का मैसेज बज रहा है, जहां वो भाग के जाके देखता है कि बिजारो ट्रिक्स्टर को लिए उससे बोल रहा होता है कि इसे ठीक करो। सुपरमैन और बाकी टीम बिजारो को ढूंढने में लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ बिजारो ट्रिक्स्टर की लाश लेके लेक्स के पास पहुंच चुका होता है, पर लेक्स उसे समझाता है कि उसका दोस्त मर चुका है, जिसपे बिजारो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे बनाया तो तुम इसे भी बनाओ। ये सुनकर लेक्स हैरान हो जाता है। तब बिजारो आगे कहता है कि तुम मेरे पिता हो, मुझे याद है ये लैब, ये कोट और ये चमकता सर। तब लेक्स कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैंने तुम्हें नहीं बनाया है, मुझे तुम मिले थे आर्कटिक में जमे हुए, तुम किसी और प्लेनेट से आए हो, जैसे सुपरमैन क्रिप्टॉन से आया है। तब बिजारो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, पर तुमने मुझे ढूंढा कहाँ? जिसपे लेक्स कहता है कि चिंता नहीं, मैं तुम्हें मैप ड्रॉ करके दे दूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे दोस्त को भी जिंदा करने की कोशिश करूंगा, पर पहले क्या तुम मुझे तुम पर कुछ टेस्ट करने दोगे? जिसपे बिजारो कहता है कि मैं टेस्ट में अच्छा नहीं हूँ, पर लेक्स उसे एक चेंबर में भेजते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये टेस्ट आसान है, तुम्हें बस इसमें खड़े रहना है। तब लेक्स बिजारो को एक हीट चेंबर में रख के उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करता है और तब तक बढ़ाता रहता है जब तक उसे कुछ फर्क ना दिखे। तब लेक्स उस चेंबर की हीट बंद करके सोच में पड़ जाता है कि सिवाय मेंटल कैपेसिटी के ये तो पूरी तरह सुपरमैन जैसा है, अब मैं इसे कैसे खत्म करूं, वो भी बिना सुपरमैन के पता लगे। तभी साइबॉर्ग लेक्स से कॉन्टेक्ट करता है। लेक्स साइबॉर्ग से पूछता है कि क्या हुआ, जिसपे साइबॉर्ग उसे बताता है कि बैरी तुम्हारे पास नए जेल के प्लान लेकर आने वाला है। तभी लेक्स को मैसेज मिलता है कि बैरी उसकी लैब में आ चुका है, जिसपे लेक्स कहता है कि उसे ऑफिस में बैठने को बोलो, मैं अभी आया। तब लेक्स बिजारो को उसके घर का रास्ता बताते हुए उससे बोलता है कि यहाँ जाओ, यहाँ तुम्हें तुम्हारे ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। जिसपे बिजारो कहता है कि बिल्कुल, पर तुम मेरे दोस्त को भी ठीक कर देना। जिसपे लेक्स कहता है कि बिल्कुल। तब बिजारो लेक्स के दिए हुए मैप की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचता है, पर वो जगह बिजारो का घर नहीं बल्कि सुपरमैन का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड होता है। तब अपनी लैब में लेक्स किसी को कमांड देता है कि ढूंढो और खत्म करो, जिसके बाद वो बैरी से मिलता है। बैरी लेक्स को नए प्रिजन का प्लान दिखाता है, फिर वो उससे बोलता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। दूसरी तरफ बिजारो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुस के खुश हो जाता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि डूम्सडे होता है, और अगले ही पल वो लेक्स के कमांड पर बिजारो को मारना शुरू करता है। लेक्स साइबॉर्ग को बिजारो की लोकेशन के बारे में बताता है, जो कि आगे बाकी लीग को बताता है कि बिजारो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में है। तब सुपरमैन साइबॉर्ग से कहता है कि मुझे लेक्स से कनेक्ट करो, मैं रास्ते में हूँ। दूसरी तरफ हम डूम्सडे को बिजारो से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, क्या ये तुम्हारा घर है? पर तभी डूम्सडे बिजारो को एक पंच में फोर्ट्रेस से बाहर कर देता है और उसके गिरने से पहले वो उस पर कूद जाता है। तभी हम वहाँ सुपरमैन को देखते हैं, जो कि लेक्स को उस जगह के बारे में बताता है। तब लेक्स सुपरमैन से कहता है कि कुछ भी हो, उनकी लड़ाई के बीच में मत आना, डूम्सडे में किया हुआ प्रोग्राम तुम दोनों में फर्क नहीं बता पाएगा। तभी बिजारो सुपरमैन को देखता है, पर तभी डूम्सडे बिजारो को पकड़ के आगे ले जाता है। दूसरी तरफ लेक्स की लैब में से फ्लैश और लेक्स इस पूरी सिचुएशन को देख रहे होते हैं। तब सुपरमैन लेक्स से कहता है कि हमें एक चीज क्लियर करनी है कि ये मॉन्स्टर ना मरे, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आया है। फोर्ट्रेस के बाहर बिजारो और डूम्सडे बुरी तरह लड़ रहे होते हैं। तब लेक्स देखता है कि डूम्सडे हार रहा होता है, जिसपे सुपरमैन लेक्स से कहता है कि वो बहरूपिया जीत रहा है, तो इसीलिए मैं लड़ाई के बीच में आ रहा हूँ। और अगले ही पल सुपरमैन बिजारो को एक जबरदस्त पंच मारता है। तब लेक्स इस सोच में पड़ जाता है कि शायद यही पल है सुपरमैन के राज को खत्म करने का, और तभी लेक्स डूम्सडे को सुपरमैन पर अटैक करने की कमांड देता है, और ऐसा ही होता है। तब डूम्सडे और बिजारो दोनों ही सुपरमैन पर वार करना शुरू करते हैं, जिसपे साइबॉर्ग लेक्स से पूछता है कि ये हो क्या रहा है। तब लेक्स कहता है कि मैंने कहा था सुपरमैन को कि बीच में नहीं घुसना। तब फ्लैश लेक्स से कहता है कि ये दोनों तो क्लार्क पर अटैक कर रहे हैं, जिसपे लेक्स उसे भी यही समझाता है। तभी फ्लैश तुरंत वहां से फोर्ट्रेस के लिए निकलता है। फोर्ट्रेस के बाहर डूम्सडे और बिजारो मिलकर सुपरमैन की जबरदस्त पिटाई कर रहे होते हैं, पर तभी लेक्स से ये सब नहीं देखा जाता और तब वो डूम्सडे को बिजारो पर अटैक करने की कमांड देता है। तब लेक्स आगे सोचता है कि मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, जिसके बाद लेक्स फ्लैश से पूछता है कि सुपरमैन कैसा है।
जिसपे फ्लैश कहता है कि क्लार्क बच गया है। वहीं पर डूम्सडे बिजारो को अपने हाथों के बीच में दबा लेता है और अगले ही पल डूम्सडे बिजारो की जान ले चुका होता है। तभी सुपरमैन तुरंत डूम्सडे को उससे दूर करता है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। तब सुपरमैन बिजारो की डेड बॉडी को लेकर लेक्स टावर में आता है, जहां वो लेक्स से बोलता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए, सारे टेस्ट करो और पता लगाओ कि ये कहां से आया था। और ऐसा कह के सुपरमैन वहां से चला जाता है और लेक्स बिजारो की डेड बॉडी देखकर बहुत दुखी होता है।